टाइम टू बायोलॉजी क्लास। कितने बच्चे बायोलॉजी के हैं? और कौन है सुमित अपने साथ में? अभी विकास सिंह फ्रॉम मैथ और साइंस बायोलॉजी। सुमित लास्ट क्लास का एक बार छोटा सा रिवाइज करेंगे ताकि अगर अपन आगे का टॉपिक है वो पूरा क्लियर कर सके। तो तुमने पढ़ा थोड़ा बहुत टॉपिक या नहीं पढ़ा ये बताओ पहले। जो लास्ट क्लास है उस टॉपिक को पूरा क्लियर किया है या नहीं किया है? चलो बताओ बेटा जीनस क्या होता है? थोड़ा सा सेल्फ टेस्ट दे देते। व्हाट इज जीनस? ठीक है, मैंने एक नाम लिखा बेटा, क्रिटिकम एसेटाइलम।
बॉटनी का नेम ऑफ बी, गेहूं का बॉटनिकल नेम, ठीक है। ये जो दो वर्ड्स हैं ये किस किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या चीज है, यहां से आता है, और ये क्या चीज है, कौन सा देने से कौन सी स्पीसीज है, प्रीटिकम क्या है और असेटाइजम क्या है, व्हाट इज प्रीटिकम और व्हाट इज असेटाइजम। नहीं पता सुमित या पता है, व्हाट इज जीनस और व्हाट इज स्पीसीज, जीनस कौन सा है, स्पीसीज कौन सा है, ये आंसर ठीक है कि इनमें से एक जीनस है और एक स्पीसीज है, लेकिन कौन सा जीनस है और कौन सी स्पीसीज है इस चीज को कैसे पता करेंगे अपन, सुमित आवाज आ रही बेटा, फर्स्ट इज जीनस, अच्छा ओके, द सेकंड वन इज स्पीसीज, ठीक है। ये कौन सा नोमेनक्लेचर है जिसमें दो वर्ड्स अपन ऐसे लिखते हैं तो नाम लिखा जाता है, वॉइस क्लियर नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, ये जो अपन नाम लिख रहे हैं ना प्रीटिकम एसेटाइवम, ये कौन सा नोमेनक्लेचर है अपना, अपन कौन सा नोमेनक्लेचर को लेकर कर रहे हैं, कौन से रूट्स हैं वो जिसकी वजह से ये नाम लिखा गया है,
You don't understand. My question is this, that if we are writing Trishika Vaisaita from right, it's a genus and this is the name of a species, why we are writing these two names, which nomenclature, which name policy we are following? What is the name of nomenclature? Who give them? किसने दिया था तरीका नाम लिखने का? ऐसे अपने स्टार्टिंग में कुछ सेक्शन में पढ़ाया नहीं है कि किसी का नाम लिखते हैं कुछ ऐसे लिखते हैं, तो कौन सा नॉमेनक्लेचर है? दिस इज माय क्वेश्चन. Binomial nomenclature. बिल्कुल सही है आंसर. This is the right answer. And who gives this name policy? It's a universal rule. Okay, it's a universal rule. लेकिन दी किसने थी ये policy? कौन सा वो scientist रहा या कौन सा वो biologist रहे जिन्होंने ये policy दी थी name लिखने की? मैंने बताया था ना कैरोलस लिनियस, ठीक है, अपन पढ़ रहे थे तब LINN वाला एक वर्ड लिखा भी था, ठीक है, LINN लिखा था ना मैंने, तो इसी के लिए यूज किया था अपन ने. चलो इट्स ओके, काफी है मेरे ख्याल से इतना इंटरेक्शन. ओके, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने दिया था जिसमें दो नाम लिखे होते हैं, पहला नाम जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नाम उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट. आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमिक एड्स और आज का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं. टैक्सोनॉमिक एड्स या टैक्सोनॉमिक टूल्स भी कह सकते हैं, कह सकते हैं टूल्स. देखो टैक्सोनॉमी तो वर्ड कन्वर्ट कर लिया मैंने, ये एक ऐसी साइंस है या ऐसी स्टडी है जिसमें अपन क्या करते हैं डिफरेंट टैक्सास में कन्वर्ट करते हैं एनिमल्स को, अलग अलग एनिमल्स को डायवर्सिटी के बेस पे, उनकी वेरिएशन के बेस पे, उनकी हैबिटेट के बेस पे, उनके रिलेशनशिप के बेस पे अपन अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं, ठीक है. लेकिन जो आज का टॉपिक है टैक्सोनॉमिक एड्स, वो ये कहना चाह रहा है कि अपन इनको जो डिवाइड्स करते हैं वो उसके लिए अपन इनको रखें कहां, कैसे रखें, क्या क्या ऐसे हथियार काम में लें, इससे क्या हर बार जंगल में ही जाना पड़ेगा क्या, ठीक है, या फिर कोई आए एविडेंस मांग लें कि आपने चलो भाई आम के पेड़ को इस ग्रुप में डाल दिया, नींबू के पेड़ को इस ग्रुप में डाल दिया, तो कैसे डाला, क्यों डाला, तो उसके लिए क्या उसको वहीं पे लेके जाएंगे क्या जंगल में? उसके लिए कुछ अपन ने क्या कर रखे, टूल्स बना रखे जिसमें अपन बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करते हैं, एग्रीकल्चर हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकती है, जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज है उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. तो इन्होंने बहुत सारे सेक्शंस बना रखे हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए, क्योंकि ये टैक्सोनॉमी में कन्वर्ट करते हैं ना, जैसे मैं अपन कॉलेज के बच्चे हैं, अपन एक कॉलेज में पढ़ते हैं सर, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ सबको, तो बच्चे कहते हैं कि सर ये आपने पढ़ा दिया, ये तो ठीक है, चलो स्कूल लेवल पे इतनी बड़ी गैप नहीं होती है, ठीक है. जैसे अपन केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको लैब में ले जाके करते हैं, लेकिन क्या मुझे क्लासिफिकेशन पढ़ रहा है तो लेन में पेड़ थोड़ी ना होगा इतने सारे, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसे तरीके चाहिए कि मैं जो मेरे बच्चे हैं जो या मुझसे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं स्कूल में
मैं उन्हें सेटिस्फाई कर सकूं इस चीज के लिए कि हाँ देखो जो ये तरीका रखा था ये बिल्कुल सही रखा था, ठीक है, ये रूल्स बनाए गए हैं ये बिल्कुल सही बनाए गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ अपन टूल्स ऐसे काम में लेंगे, कुछ ऐसे हथियार काम में लेंगे, कुछ ऐसे एड्स काम में लेंगे जिससे कि वो एविडेंस बन सके, वो एविडेंस बन सके आगे की चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहला जो टूल है दैट इज हर्बेरियम, क्या है हर्बेरियम, फर्स्ट टूल इज आर हर्बेरियम, ये अपने प्रैक्टिकल में भी है, ठीक है। हर्बेरियम एक लिविंग एविडेंस है, हर्बेरियम क्या है एक लिविंग एविडेंस है, इसके पेपर की शीट आती है, ठीक है, बड़ा पेपर आता है A4 से भी ज्यादा होगा, ठीक है, A3 से बड़ा, थोड़ा मोटा आता है, क्रीम कलर का पेपर आता है उसकी यहाँ पे और यहाँ पे, इसके कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं, तो मैंने कल पढ़े थे क्या क्या लिखे जाते हैं, जिसे यहाँ लिखा होता है किंगडम, फिर आता है ना पायलट, क्लास, पैंपिंग, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, कॉमन नेम, कॉमन नेम, प्लेस और डेट, कुछ इतने ऑप्शन आते हैं इसमें, ऐसा पेपर आता है, ठीक है। उसमें अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो मुझे आम के पेड़ का क्लासिफिकेशन करके दिखाना है किसी को, ठीक है, कि आम को ऐसे ऐसे क्लासिफाई किया, तो हम क्या करते हैं आम की एक लीफ फ्लावर ब्रांच कुछ भी ऐसे क्या कर सकते हैं लगा देते हैं, इसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें लिखा जाता है कि ना जैसे प्लांटिंग फाइलम फैमिली ऑर्डर जीनस स्पीशीज, जैसे मैंग्रोव वगैरह इंडिका था, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। और अगर मैंने मान लो इसे 10 प्लांट को डिवाइड किया है, 10 प्लांट एक्सप्लेन किया है, तो ऐसे 10 फेजेस काम में लूंगा मैं, जैसे ये नंबर 1 हो गया, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड सो ऑन, ऐसे 10 पेपर लूंगा मैं, एक फाइल होती है बड़ी, दैट इज कॉल्ड हर्बेरियम फाइल, दिस इज कॉल्ड हर्बेरियम शीट, क्या कहलाती है हर्बेरियम शीट, एक फाइल हो रहा थी जिसमें हर्बेरियम की पेजेस लग सकते हैं, इनको ऊपर फोल्ड करके उसको फाइल में लगा लेते हैं, और बड़ी बड़ी रैंक होती है वहां इनको सिक्योर रखा जा सकता है, वहां इनको क्या किया जाता है सेफ रखा जाता है, याद रखना जब इसमें लीफ लगाते हैं तो उसमें से सारी मॉइस्चर निकाल दी जाती है, सुखा के लगाते हैं लीफ को, क्या करते हैं बिल्कुल सुखा देते हैं उसके बाद ही लगाते हैं, तो ये बिल्कुल मॉइस्चर इसमें रहता नहीं है, ड्राई लीफ होती है, इसको टेस्ट किया जाता है इसमें, ठीक है ना। अब ये एक एविडेंस बन गया, ये एक टैक्सोनॉमिकल एड बन गया, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, कल को कोई आगे बोले कि आपने कैसे क्लासिफाई कर दिया, किसके बेस पर क्लासिफाई कर दिया, तो एट दैट टाइम वी कैन एक्सप्लेन दैट दिस सेम प्रोसीजर वी एक्सप्लेन, ठीक है, कि हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी, कि हमने इसको इस जगह से लिया था, इतनी तारीख को लिया था, किसने लिया था, कॉमन नेम क्या है, इसकी स्पीसीज क्या है, दिस इज हाउ इट लुक्स एक्चुअली लुक्स, ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है, तो इसका एविडेंस भी मेरे पास में, ये लीफ लेके आया था वो जंगल में गया था वहां से लेके आया, तो आप देख लो इससे, तो आप इससे पहचान सकते हो, ठीक है। और इसे बोलते हैं शीट, एक होती है फाइल, और जब ऐसी बहुत सारी फाइल्स होती हैं तो उसे एक रैंक में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्बेरियम, दैट इज कॉल्ड हर्बेरियम रैंक, ठीक है। और जो ये हमारा लीफ लगी है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्पेसिमेन, क्या बोलते हैं स्पेसिमेन, आप कभी जाएंगे कॉलेज वॉलेज में, अपने स्कूलों में तो बनता रखता है रखने का, बाकी अगर अपन कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो आप अपने को स्पेसिमेन रखे हुए देखेंगे, ग्लास की बोतल में फॉर्मेलिन एक सॉल्यूशन आता है, वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, जैसे यदि तो चलो प्लांट की बात कर ले, लीफ को ड्राई करके सुखा के रख दिया, लेकिन अगर किसी एनिमल को रखना, जैसे फ्रॉग का मैंने क्लासिफिकेशन किया, लिजार्ड का किया, तो उसे कैसे एक्सप्लेन करें, उसे कैसे एक्सप्लेन करें, तो वहां पे अपन क्या करते हैं उस एनिमल को फॉर्मेलिन एक सॉल्यूशन आता है, एक लिक्विड आता है, उसमें डिप करके ग्लास की बोतल आती है, एयर टाइट करके रख देते हैं, तो कहीं नहीं जाता, फिर वो खराब नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट इस जगह,
प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इट, इट्स अ टूल, ठीक है, एक मशीन है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन में हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, मतलब एक पेपर की शीट है, एक फाइल है, और फिर जैसे भी जरूरत पड़े, आपको जरूरी जरूरत पड़े तुरंत निकाल के देता ताकि सिस्टमेटिकली रखी गया, आपने इसे सेव करके रखी है, तो ये स्पेसिमेन की कॉपी होती है, ठीक है, जिसे अपन क्या करते हैं, अपने जैसे मान लो घर में गेहूं खरीदते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अपन घर में गेहूं खरीद रहे हैं, तो गेहूं की पहले क्या लेके आते हैं अपन, थोड़ा सा सैंपल चेक करते हैं, गेहूं का क्या करते हैं, सैंपल चेक करते हैं, उस सैंपल को अपन 10 जनों को दिखा सकते हैं यार गेहूं बढ़िया है कि गेहूं बढ़िया, तो वो सैंपल एक तरीके से हमारे पास स्पेसिमेन बन गया, ठीक है, अब आप उसको क्लासिफाई करके रख सकते हो, तो किसी को भी कभी भी दिखा सकते हो, फिर उसके बाद खरीद के लेके आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, एक स्पेसिमेन होता है, जो भी पढ़ना चाहे जो भी देखना चाहे उसे कभी भी निकाल के देख सकता है, तो वो हर्बेरियम में रहता है, हर्बेरियम का मतलब एक फाइल से है, एक ऐसी जगह से है, एक ऐसी बुक से है, एक ऐसी शीट से है जिसके ऊपर स्पेसिमेन की एक कॉपी मिलेगी आपको, आगे समझ में, चलो नेक्स्ट है हमारा बॉटनिकल गार्डन, ये बहुत कॉमन चीज है, ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज हो गई है, तो पहले तो बहुत जब नहीं बनी थी ना स्टार्टिंग में, जब साइंस को बात चालू किया था तब बहुत बहुत फेमस थी, जैसे अपने यहाँ पे एक इंडियन बॉटनिकल गार्डन है लखनऊ में है, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह है लेकिन जो वो बहुत फेमस है, तो वो वहां क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ तो सिर्फ लीफ प्रिजर्व किया आपने, लीफ को क्या करते हैं प्रिजर्व करते हैं स्पेसिमेन पे, लेकिन पूरे पेड़ को रखना हो तो क्या करें, तो वो क्या करते हैं बड़ी सी जमीन लेते हैं, उसमें जो जो प्लांट जैसे डेंजर में है या फिर जिसकी क्लासिफिकेशन उन्होंने किया या जिसको बार बार पढ़ाना पड़ता है, उस प्लांट को लाके क्या कर लेते हैं वहां लगा लेते हैं, उसके बीज लगा लेते हैं और उसकी देखभाल करते रहते हैं, बहुत बड़ा एरिया रहता है, उसको एनिमल हंटिंग वगैरह से बचा लेते हैं, काटते वाटते नहीं उसको, तो वो सेव रहता है, तो बॉटनिकल गार्डन बहुत ज्यादा आजकल चलन में, तो ऐसी एक जगह जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो अलग अलग स्पीसीज के और उन्हें प्रिजर्व किया गया हो, सेफ रखा गया हो, वो क्या कहलाता है बॉटनिकल गार्डन कहलाता है, उसको टैक्सोनॉमिक ऐड भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लो मुझे किसी स्टूडेंट को समझाना है कि देखो भाई आपका पेड़ कुछ ऐसा दिखाई देता है सर, इसकी तो लीफ ही है, ब्रांच तो नहीं दिख रही, स्टेम तो नहीं दिख रही, कैसे पहचानेंगे, तो बोलो चलो आओ तुम्हें दिखा के लेके आते हैं, तो आसपास में कई गार्डन हो वहां ले जाकर के दिखा सकते हैं, जैसे अपने यहाँ पे जयपुर में है ना एक चीज है रामनिवास बाग, रामनिवास बाग के पीछे बॉटनिकल गार्डन था, वहां पे ना सैंडल वुड भी है, चंदन के पेड़ भी लगाए, देखने हो तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है, अपने यहाँ पे एक वो है जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क जो है जयपुर में, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क कौन सा है, नाहरगढ़ अभी बनाया है, नाहरगढ़ में बनाया, तो वहां पे क्या कर रखा है उन्होंने, ये भी एक टैक्सोनॉमिकल बॉटनिकल गार्डन किसका होता है, प्लांट्स का, ये तो सिर्फ प्लांट्स की बात करते हैं, यहाँ एनिमल्स की बात होगी सिर्फ, ठीक है, यहाँ सिर्फ एनिमल्स के स्पेसिफिक करके लेंगे, तो यहाँ पे लिविंग प्लांट्स को रखा जा सकता है, टैक्सोनॉमिकल एड्स की तरह काम करता है, सिर्फ प्लांट्स की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एनिमल रखते हैं जैसे शेर चीते भालू वगैरह, इनके स्पेसिफिक थोड़ी ना बना लेंगे, इनको तो क्या करते हैं लाइव को रख लेते हैं, जैसे जू होता है ना सेम, जैसे जूलॉजिकल पार्क थोड़ा सा बड़ा होगा, जू से बड़े बड़े केज होते हैं काफी, मतलब नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है घूमने फिरने के लिए काफी दूर में, तो वो क्या बनते हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क्स बनते हैं, अपने क्या बनते हैं जूलॉजिकल पार्क्स बनते हैं, इसमें आप घूम के आ सकते हो, देख के आ सकते हो, आपको कुछ चीज समझनी हो, एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करना हो कि क्या उनकी हैबिटेट है, जैसे खाना क्या खाते हैं, देखिए बिहेवियर हो गया, इस चीज को अपन जाकर के देख सकते हैं जूलॉजिकल पार्क्स में, ठीक है, तो बड़े बड़े एनिमल्स जो खुले में नहीं देखे जा सकते थे, जैसे खुले में नहीं मिलेगा कभी आपको, तो वहां तो देखा जा सकता है, जैसे नाहरगढ़ जाओ तो देखने को मिल जाएगा, आया समझ में ये, ओके चलो, एक होता है म्यूजियम, ये वर्ड तो सुना हुआ है, बहुत कॉमन वर्ड है म्यूजियम, ठीक है सुना हुआ है म्यूजियम, तो देखा होगा बेटा कभी, ठीक है, तो अपने यहाँ पे जैसे अल्बर्ट हो गया एक म्यूजियम है, ठीक है, लेकिन देखो म्यूजियम अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी से मतलब है उसमें क्या रखा गया उसके बेस पे अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कुछ में क्या करते हैं पेंटिंग्स एग्जीबिट करते हैं, हाँ अल्बर्ट होता है, कुछ में क्या कर देते हैं पेंटिंग्स एग्जीबिट करते हैं, कुछ में ना कॉइन्स एक्सप्लेन करते हैं, कुछ में बुक्स एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं,
अपन क्या कर सकते हैं वहां पे इस चीज को, मतलब म्यूजियम में क्या कर सकते हैं, चीजों को रख सकते हैं। तो म्यूजियम में भी क्या होता है, बहुत सारे म्यूजियम ऐसे हैं जहाँ पे है ना पुराने, जैसे ना बोन्स वगैरह को एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे अपन देखते हैं ना डायनासोर्स की बोन्स वगैरह मिलती है, तो वहां पे इनको क्या कर सकते हैं अपन, मतलब सेव कर सकते हैं, एनिमल्स के स्केलेटन सेव कर सकते हैं, बोन्स को सेव कर सकते हैं, ठीक है। जो पुराने एविडेंस है जैसे आर्कियोप्टेरिक्स की बोन्स मिली उसे प्रिजर्व करके रख दिया, ठीक है। तो इट्स अ सेफ वे टू एक्सप्लेन एनिमल्स, ठीक है। वो भी एक क्या है अपना टैक्सोनॉमिकल एड्स बन गए। अच्छा तुम्हें टॉपिक समझ में आ रहा है, क्यों पढ़ रही है ये चीजें, ये चार चीजें मैंने पढ़ाई है, उसका फायदा क्या मिलेगा मुझे फ्यूचर में, ये समझ में आ रहा है। ओके चलो ठीक है, लास्ट टॉपिक बचा है इसका बुक का, अब आती है की क्या है। ये चार चीजें तो मैंने पढ़ी थी, एक और वर्ड है मेरे पास में की बेटा, जैसे अपने घर में कॉमन की किसको बोलते हैं, चाबी को बोलते हैं। चाबी क्या करती है, स्पेसिफिक लॉक को खोल के देती है। की भी वैसा ही कुछ ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा समझ लो, एक ऐसी गाइडलाइन है, एक ऐसे रूल्स की बुक मान सकते हो, या एक ऐसा पाथवे मान सकते हो जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसी एनिमल्स को या प्लांट को क्या कर सकते हैं अपन, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अपने की बना दी कि है ना आर्थ्रोपोडा होंगे तो उसके जॉइंटेड लेग्स होंगे, रेप्टाइल्स होंगे तो ऐसे लेग्स होंगे, क्लॉज पाए जा सकते हैं बर्ड्स में, या फिर बीक की बात करें तो कुछ शार्पन बीक मिलेगी, कुछ स्ट्रेट बीक मिलेगी। तो ये की बना दी, एक रास्ता बना दिया, एक रूल बना दिया जिससे अपन उस एनिमल को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ रिप्रोडक्शन करते हैं, एग से एग लेयर्स होते हैं, ओविपेरस होते हैं, कुछ विविपेरस होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ क्या करते हैं, अंडे देते हैं, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन बना दिया। दिस इज द वे बाय विच वी कैन डिटरमाइन एन स्पीसीज और आइडेंटिफाई एन स्पीसीज। तो ऑल द रूल्स, ऑल द पाथवेज बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द एनिमल और प्लांट आर नोन एज की, उसे अपन क्या कहते हैं, की कहते हैं। उसकी एक गाइडलाइन है, ठीक है। की समझ में आ गया बेटा, ओके बस अपना चैप्टर हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। दो एक वर्ड अच्छा है तो वो समझाता हूँ, एक वर्ड होता है बेटा फ्लोरा, एक होता है फौना, एक होता है फौना, एक तो होता है फ्लोरा, एक होता है क्या फौना। फ्लोरा में, फ्लोरा में अपन क्या करते हैं, एक मिनट बोल रही हूँ, आप ही बनाई थी। हाँ चलो मैं देख के पूछ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा फ्लोरा है ना फ्लावर से बना हुआ वर्ड है, फ्लोरा वर्ड है, इट इज ड्राइव फ्रॉम फ्लावर विच मीन्स प्लांट्स, और इसका मतलब होता है क्या, एनिमल, ठीक है ना। हमेशा याद रखना बायोलॉजी में दो वर्ड्स चलती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स नहीं बोल करके अपन ये कह सकते हैं फ्लोरा और फौना। जैसे अपन कहीं विजिट करने गए किसी नेशनल पार्क में है ना, तो अपन कह सकते हैं कि है ना क्या आपने कितना फ्लोरा देखा, किसी ने पूछ लिया आपने क्या फ्लोरा देखा, तो अपने को पता होना चाहिए व्हाट इज द मीन ऑफ फ्लोरा, कि हमने कितने प्लांट्स देखे, फ्लावर नहीं हमने कितने प्लांट्स देखे, फौना पूछे तो हमने कितने एनिमल्स वहां पे देखे, ये स्टेटमेंट का मतलब। आगे बेटा समझो, सुनिए, यस सर, बट नोट्स, व्हाट अबाउट नोट्स, क्या नोट्स के बारे में क्या पूछ रहे हो बेटा, सुमित नोट्स के बारे में क्या पूछ रहे हो, बिल्कुल
दो तरह की बनवाई थी पहले, तो जो छोटी वाली बनवाई है वो बनवानी है या बड़ी वाली? नहीं बेटा, आई विल नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ नोट्स, आपको खुद को ही पढ़ना है, पूरी बुक एनालाइज करनी होती है, नोट्स से शॉर्टकट पाथवे है, खुद बनाइए जो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है? खुद की मेहनत खुद के काम आ सकती है, दूसरों की मेहनत तो दूसरों के काम आ चुकी थी, उसको दोबारा कॉपी करने से क्या मतलब है, ठीक है? तो आप चैप्टर को शॉर्ट आउट कीजिए, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ोगे चैप्टर को ज्यादा काम में आएगा। ठीक है, चलो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में फिर नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है? और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अभी कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपको, अभी जो टॉपिक पढ़ा है? ओके चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? गुड बाय, थैंक यू।